नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडमिशन क्लासेस में। साथियों, आप सभी का इंतजार खत्म हुआ और अब एडमिशन क्लासेस पे आपको बीएड चतुर्थ सेमेस्टर में ये जो प्रश्न पत्र ऑप्शनल है जो वर्ष 2023 में परीक्षा देने जा रहे हैं बीएड के छात्र, उनके लिए यह प्रश्न पत्र ऑप्शनल के रूप में होगा। चूँकि आपके बीएड फोर्थ सेमेस्टर में दो पेपर कंपलसरी होता है और दो पेपर ऑप्शनल होता है, ठीक है। तो जो दो पेपर ऑप्शनल होता है उसमें होता है कि स्कूल मैनेजमेंट आप ले लीजिए या फिर इसके जगह एक अन्य पेपर होता है लिंग विद्यालय एवं समाज, या फिर आपका है निर्देशन एवं परामर्श। तो कोई बच्चा निर्देशन परामर्श ले लेता है, ठीक है, और कोई यह विद्यालय प्रबंधन ले लेता है। लेकिन सिलेबस में बदलाव हुआ है और अब बीएड चतुर्थ सेमेस्टर में जो भी छात्र छात्राएँ आगे अध्ययन करेंगे, जो आपके जूनियर बैच वाले होंगे, उनको यह कंपलसरी पेपर के रूप में पढ़ना है विद्यालय प्रबंधन। चूँकि विद्यालय प्रबंधन अब ऑप्शनल नहीं रह गया है, पेपर में बदलाव हुआ है, अब सेकेंड सेमेस्टर में तीन पेपर हो गए हैं, पहले चार पेपर होते थे, तो विद्यालय प्रबंधन बीएड चतुर्थ सेमेस्टर में अब अनिवार्य रूप से हो गया है। तो ये जो क्लासेस चलेंगी यह आगामी जो जूनियर बैच है उनके लिए भी उपयोगी होंगी, चूँकि उनको आगे पढ़ना है इसलिए, और आपका पेपर है इसलिए आपके लिए भी उपयोगी है। तो आज से क्लास आपकी शुरू हो गई, जैसा कि मैंने कहा था कि जुलाई से क्लासेस चलेंगी, और बाकी आपका जो पेपर है भारतीय शिक्षा का इतिहास हुआ, निर्देशन एवं परामर्श हुआ, इन सभी क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं और वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले यूनिट वन में आपको बुनियादी प्रबंध कार्य के अंतर्गत योजना बनाना, संगठित करना, नेतृत्व करना, प्रेरित व नियंत्रित करना व प्रभावी विद्यालय प्रबंधन हेतु निहितार्थ। कहने तात्पर्य यह है कि एक सही ढंग से विद्यालय के प्रबंधन हेतु हमें किस तरह से नेतृत्व करना चाहिए, किस तरह से हमें संगठन करना चाहिए, किस तरह से प्लान बनाना चाहिए, योजना बनाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें किस तरह से टीचरों को मोटिवेट करना चाहिए, इनकी बात हम करते हैं, ठीक है। ये हम करते हैं बुनियादी प्रबंध कार्य के अंतर्गत यूनिट वन में हम पढ़ेंगे। इसके बाद है यूनिट वन में पार्ट बी, विद्यालय में प्रभावी कक्षा प्रबंधन हेतु प्रबंधन कार्यों का उपयोग, यानी सही ढंग से कक्षा का प्रबंधन करने हेतु हम किस प्रकार से प्रबंधन को व्यवस्थित कर सकते हैं, प्रबंधन को कार्य में ला सकते हैं, इसकी जानकारी हम पार्ट बी के अंतर्गत प्राप्त करेंगे, ठीक है। चूँकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं और बीएड करके आप अपना भी विद्यालय खोल सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको विद्यालय प्रबंधन पढ़ाया जाता है कि आप विद्यालय का मैनेजमेंट तो जानने कैसे किया जाता है, किस तरह से क्या क्या शैलियाँ हैं, कौन कौन सी नेतृत्व शैलियाँ, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, एक बात और भी है, जो यह पेपर आपका है यह आपके बीएड फोर्थ सेमेस्टर के साथ साथ एमएड थर्ड सेमेस्टर में भी आपको यह पेपर मिलेगा पढ़ने के लिए बहुत व्यवस्थित ढंग से। तो रूपरेखा आप पृष्ठभूमि यहाँ से जाने रहेंगे तो यह पेपर आपको आगे भविष्य में एमएड में काम देगा। तो इस पेपर को मन ला के पढ़िए, क्योंकि इससे प्रश्न भी आते हैं एमएड एंट्रेंस एग्जाम में और नेट में भी आपके प्रश्न मिलेंगे। अगर आप बीएड करके अगर एमए करते हैं एजुकेशन से, उसके बाद नेट देते हैं, तो भी इसमें से प्रश्न आपको वहाँ पर मिलेंगे। आगे देखेंगे इकाई दो में है विद्यालय प्रबंधन में सुधार हेतु ताकत, कमजोरी, अवसर व खतरा, जिसको हम शॉर्टकट में करते हैं SWOT, विश्लेषण करने हेतु आवश्यक कौशल। यानी विद्यालय प्रबंधन में हमें जब सुधार करना है तो कुछ सुधार करने में, जैसे कि कोई अध्यापक है आप कह रहे हैं कि आपने शिक्षण शैली सुधार करिए, पर हम ना करब, हम करेंगे ही नहीं दम, और यह स्वभाव का है, तो वह क्या है, वह आपका खतरा है वहाँ पे, ठीक, कि वह अपने परिवर्तन नहीं कराए शिक्षण कौशल में, आप उसको अब हटा भी नहीं सकते हैं। क्यों नहीं हटा सकते, क्योंकि आपके किसी खास का वह खासम खास है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि आपको अब किस तरह से वहाँ पर बदलाव करना है उसके अंतर्गत, इसके लिए आपको जो कौशल चाहिए वह इसमें आप पढ़ेंगे कि विद्यालय प्रबंधन में सुधार करने हेतु कौन कौन से अवसर हैं, कौन कौन से खतरे आ सकते हैं, और उनमें परिवर्तन करने हेतु हमें कौन कौन से आवश्यक स्किल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आगे है पार्ट बी में इकाई दो के विद्यालय कक्षा प्रबंधन में कर सकते हैं, करेंगे, नहीं कर सकते या नहीं करेंगे कि तकनीक का विकास, यानी विद्यालय कक्षा प्रबंधन के अंतर्गत क्या हम कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बातें होती हैं कि यह करना चाहिए और यह
नहीं करना चाहिए या यह हम आगे चल के करेंगे और यह आगे चल के हम नहीं करेंगे, इसकी भी समझ का विकास करना इस आपके इकाई दो के पार्ट बी में है कि विद्यालय कक्षा प्रबंधन में हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, इसकी अवधारणा भी आपको समझाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद इकाई तीन, यह इकाई जो तीन है यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे प्रश्न हमेशा आपके टेट भी मिलेगा, सीटेट भी मिलेगा, ठीक है, नीट भी मिलेगा और एमएड में भी तो है ही, मैंने बताया ही। टी क्यू एम से तात्पर्य है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, यानी संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की अवधारणा कि संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन है क्या, विद्यालय प्रबंध में इसके अनुप्रयोग की संभावना कि विद्यालय में ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की क्या संभावना है, ठीक है, क्या आगे इसका स्कोप है या क्यों अपनाया जाता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है और इसके बारे में एमएड में भी विस्तार पूर्वक इसकी दो यूनिटें हैं। आगे है विद्यालय में मानव संसाधन विकास कि विद्यालय में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का क्या भूमिका है, मानव संसाधन विकास क्यों करना चाहिए, क्यों आवश्यक है, क्या इसका अर्थ है, क्या परिभाषा है, ठीक है, कब ही आया, ये सारी चीज़ें विद्यालय में मानव संसाधन विकास के अंतर्गत पढ़ेंगे। और इकाई चार में है मूल्यांकन प्रणाली यानी इवेल्युएशन सिस्टम, इसमें है प्रत्यायन व गुणवत्ता यानी एक्रेडिटेशन की बात की गई है और क्वालिटी की बात की गई है, कह रहा है कि मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत विद्यालय की गुणवत्ता, ठीक है, विद्यालय को प्रत्यायन करके यानी कि उसका क्या करना, हमें एक्रेडिटेशन करना है, जैसे आप नैक का नाम सुने होंगे, नैक क्या करता है विद्यालय की गुणवत्ता देखते हुए उसको प्रत्यायित करता है, उसको ग्रेडिंग प्रदान करता है, तो ये कह रहा है कि प्रत्यायन व गुणवत्ता संबंधित है मूल्यांकन में, किससे, विद्यालय गुणवत्ता पर नज़र रखने हेतु स्थापित संस्थान, यानी विद्यालय कौन कौन से विद्यालय क्या क्या मानक पूरा कर रहे हैं इसको सही ढंग से निर्धारित करने के लिए किन किन संस्थानों की स्थापना की गई है, जैसे कि आपका नैक है, ठीक है, उसके बाद NCTE है, इस तरह से कौन कौन से संस्थान हैं जो कि विद्यालय गुणवत्ता और मानक को देखते हैं, ठीक है, समय समय पर उनको ग्रेडिंग प्रदान करते हैं, ऐसे कौन कौन संस्थान हैं इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद कह रहा है कि विद्यालय के भीतर सकारात्मक माहौल सुनिश्चित करना, कि विद्यालय के भीतर सकारात्मक माहौल सुनिश्चित हम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। और ये इकाई चार में पार्ट बी है सबसे लास्ट में, विद्यालय में निरीक्षण व पर्यवेक्षण, ठीक है, यानी ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण और सुपरविजन, पर्यवेक्षण, विद्यालय में निरीक्षण व पर्यवेक्षण की वर्तमान प्रणाली में सुधार, विद्यालय प्रबंधन भागीदारी व जवाबदेही, कह रहा कि विद्यालय में निरीक्षण व पर्यवेक्षण करने के लिए हम किस तरह से वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार कर सकते हैं और जवाबदेही के लिए किन किन लोगों को हम जिम्मेदार कर सकते हैं कि हाँ ये जिम्मेदार होंगे इस चीज़ की जवाबदेही करने के लिए, इसके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे कि विद्यालय प्रबंध में शिक्षकों को, अभिभावकों को भी सम्मिलित कर लेना चाहिए ताकि आगे विद्यालय में कोई कुछ सुधार की संभावना हो तो यह भी अपना विचार दे सके, और कोई कमी हो तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ प्रबंधक की न होकर के संपूर्ण जो समिति है विद्यालय की उसकी जिम्मेदारी हो। तो यह सभी चीज़ें आपको पढ़नी है विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत, और आपकी क्लासेस हम एक या दो दिन में शुरू करने की पूरी कोशिश करेंगे, और हमारा प्रयास होगा कि आपकी परीक्षा आते आते आपका सिलेबस समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। और आप उस समय यही कहूँगा कि परीक्षा आने वाली है, परीक्षा आप पूछते हैं परीक्षा कब होगी, तो यकीन मान के चलिए कि जुलाई के लास्ट में टाइम टेबल आ जाएगा, और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि आपकी परीक्षाएँ लगभग 10 अगस्त से शुरू कर दी जाएंगी, ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है यूनिवर्सिटी क्या कराती है, लेकिन व्यक्तिगत मेरा अनुमान यही है। और आप सभी लोग मन ला के तैयारी करिए, चैनल को थोड़ा शेयर किया करिए जिससे कि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके, क्योंकि कुछ लोग हमें मिलते हैं कहते हैं कि सर हमें आपके चैनल के बारे में परीक्षा 10 दिन पहले पता चला, अच्छे से नहीं पढ़ पाए, और जो क्लासेस पहले से पढ़ा दी गई हैं उनकी डिमांड आप दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं, सिलेबस से कोई चेंज नहीं है, आप मन ला के अध्ययन करिए, ठीक है, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।